हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। 8 स्पेशल में ये हमारी अगली स्पेशल खबर है। हैदराबाद के एक कांस्टेबल ने अपनी ड्यूटी से दो कदम आगे जाकर ऐसा फर्ज निभाया कि सोशल मीडिया पर इस ट्रैफिक कांस्टेबल का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। आप भी देखिए रिपोर्ट, क्योंकि ये इंसानियत की नई मिसाल है। मरीज को बचाने के लिए पुलिस वाले ने जो किया उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। ये वीडियो बताने के लिए काफी है कि राष्ट्र निर्माण इन जैसे कर्मयोगियों की कर्तव्य निभाने की कसम से ही पूरा होता है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो हैदराबाद का है, जहां एक एम्बुलेंस जाम में फंस गई थी। एम्बुलेंस में ले जा रहे मरीज की हालत गंभीर थी। मरीज को तुरंत अस्पताल पहुंचना था, लेकिन रास्ते में लंबा जाम लगा था। मरीज की हालत गंभीर हो रही थी। एम्बुलेंस का ड्राइवर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चौतरफा लगे जाम में उसे रास्ता नहीं मिल पा रहा था। उस वक्त हैदराबाद के ऑबेट्स मोजम जाही मार्ग पर ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कांस्टेबल बाप जी ने मोर्चा संभाला और 1.5 किलोमीटर लंबी दौड़ लगा दी। रास्ते में साइकिल, स्कूटर, बाइक, ऑटो, कार सबको एम्बुलेंस के लिए हटने को कहा। वो आगे दौड़ते गए, ट्रैफिक हटाते गए। जिंदगी बचाने के लिए बाप जी की दौड़ तब तक चली जब तक एम्बुलेंस के लिए रास्ता क्लियर नहीं हो गया। एम्बुलेंस को लेके जाके 1.5 किलोमीटर भागते हुए क्लियर करके लेके जाए सर। स्टिल डेट सेव है बोल के मालूम हुआ सर। बहुत खुशी हो रहा है हम लोगों को, हैप्पी है सर। सर बम्पर टू बम्पर गाड़ी जाने को वो भी नहीं था सर, तो टाइम पे वो करना हमारा ड्यूटी है सर, तो करें। खास बात यह है कि कांस्टेबल को पता नहीं था कि एम्बुलेंस के अंदर कौन है, लेकिन कर्तव्य पूरा करने की इस कोशिश ने एक मरीज को नई जिंदगी दे दी।